हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ममता बांगड़ उदयपुर राजस्थान से आप सभी का अमूल के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही अमूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हम सभी को एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पे हम सभी बहुत कुछ सीख रहे हैं और साथ में सब एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं ममता बांगड़ आप सबके साथ आज बेकिंग की एक डिश लेकर आई हूँ। हम सब मिलकर आज एक टी टाइम केक बनाने वाले हैं। मैं लगभग अमूल का काफी तहे दिल से काफी समय से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि मैं लगभग 6 साल से बेकिंग क्लासेस ले रही हूँ और उसमें अमूल का मिठाई मेट और अमूल की फ्रेश क्रीम, ये दोनों मेरा सबसे सबसे और सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। अमूल के फ्रेश क्रीम के बिना मैं चॉकलेट केक की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अमूल का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिता बिस्वास, माय फेवरेट शो। अनीता बेलवाल, हेलो। हेलो जी। गौरी सरोडे, हेलो। रजनी गुप्ता, हेलो। चलिए, हम आज बनाने वाले हैं कुकीज एंड क्रीम केक, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ और उसके पहले एक नजर देख लीजिए, क्योंकि हमें बाद में बेकिंग का टाइम नहीं मिलता है, तो आपके लिए मैंने ये केक पहले से बेक करके रखा है। हम इस केक को आज बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बार आप देखिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, इसके लिए हम मेजरिंग कप और स्पून ही लेंगे। 1/2 कप हमें शुगर चाहिए, जो रेगुलर हमारे घर पे शुगर होती है वही शुगर को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। विकफील्ड का मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और विकफील्ड का ही मैंने बेकिंग सोडा भी लिया है। इसके लिए हमें चाहिए कोको पाउडर, कॉफी पाउडर, अमूल का मिल्क पाउडर, कुछ ओरियो बिस्किट मैंने क्रश करके रखे हुए हैं। विंटर की वजह से मैं इसमें ऑयल ले रही हूं, अदरवाइज आप हमेशा इसमें अमूल का बटर लेंगे, मेल्ट करके लेना है आपको। अमूल का मिठाई मेड हमें लेना है और अमूल की फ्रेश क्रीम हमें लेनी है। इसके लिए साथ ही हमें क्रीम के लिए चाहिए डार्क चॉकलेट, जो मैंने चॉप्ड करके रखी हुई है। अमूल की डार्क चॉकलेट हमने ली है, साथ ही हमने लिया है फ्रेश क्रीम अमूल की और कुछ मैंने चोको चिप्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं हम कुकीज एंड क्रीम केक बनाना। इसके लिए हम एक बाउल में सबसे पहले, प्रीति जैन, हेलो ममता जी, हेलो जी, शालिनी राजेश, हाय, हेलो शालिनी जी। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप मैदा। आप चाहे तो इसे व्हीट फ्लोर से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हीट फ्लोर को आपको मैदे की छलनी से छान के रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेजरिंग कप ही आपको लेने हैं। मैंने ये 200 ml वाला मेजरिंग कप लिया है। हम ले रहे हैं 1 कप मैदा। हाफ कप बिल्कुल लेवल करके मैंने शुगर ली हुई है। फिर से बता रही हूँ, शुगर हमने हमारी जो नॉर्मल घर पर शुगर है उसी को मैंने ग्राइंड करके लिया हुआ है। 1/2 कप शुगर, विकफील्ड का हम बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, बेकिंग पाउडर हम ले रहे हैं 1 टीस्पून। बिल्कुल हमको इसको लेवल करके लेना है इस तरीके से। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैं ले रही हूं 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा को भी हम बिल्कुल ही लेवल करके लेने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। इसमें हम ले रहे हैं
2 टीस्पून कोको पाउडर, उससे भी हम लेवल करके ही लेने वाले हैं 2 टीस्पून। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है या कोको पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम ले रहे हैं कोको पाउडर। साथ ही हम इसमें ले रहे हैं 1 टीस्पून कॉफी। मैं नेस्कैफे की ले रही हूं, आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं। 1/7 मैं अमूल का जो 10 रुपीज वाला पैक है मिल्क पाउडर का, वो इसमें ले रही हूं। 2-3 टेबल स्पून आपको मिल्क पाउडर लेना है। इसे हम छान लेंगे। अच्छे से हम इसे छान लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। इसे हम अच्छे से और 3-4 बार मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बता रही हूँ ये टी टाइम केक बनाना। कॉफी पाउडर मस्ट और ऑप्शनल? ऑप्शनल है, कॉफी पाउडर भी ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमूल की क्रीम व्हिप नहीं होती तो कैसे करें? अमूल की व्हिपिंग क्रीम आप लीजिए, फ्रेश क्रीम नहीं। अमूल की जो व्हिपिंग क्रीम आती है आप उसको व्हिप्ड कीजिए, वो जरूर व्हिप्ड होगी। अगर आप फ्रेश क्रीम को व्हिप्ड कर रहे हैं तो वो व्हिप्ड नहीं होगी। आप अमूल की जो व्हिपिंग क्रीम आती है उसको व्हिप्ड कीजिए। कॉफी पाउडर क्यों लेना है? टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। आप चाहे तो कोको पाउडर और कॉफी पाउडर दोनों स्किप कर सकते हैं, तो आपको प्लेन वेनिला विद कुकीज मिलेगा। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार करके साइड में रख दिए हैं, यहीं पे हमने रखे हैं। इसको हम धीरे धीरे करके यूज में लेंगे। अब हम जो लेने वाले हैं वो है, आप ऑयल या बटर कुछ भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैं ऑयल ले रही हूं, अभी विंटर सीजन है इस वजह से। अदरवाइज जब आप इसको अमूल के बटर में बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आने वाला है। इसी में मैं यूज कर रही हूं अमूल की फ्रेश क्रीम। हमेशा इसको शेक करके फिर आप ओपन करें। एग अगर यूज नहीं करे तो क्या यूज करें? प्लीज हेल्प मी। देखिए अभी मैं जो बता रही हूँ मैं 100% आपको एगलेस ही बता रही हूँ। मैं हमेशा एगलेस पर ही काम करती हूँ। हम इसमें एग यूज नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसमें 1/4 कप अमूल की फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। मैंने लिक्विड में लिया है 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप मैंने लिया है अमूल की फ्रेश क्रीम और 1/4 कप मैं ले रही हूं अमूल का ही मिठाई मेट। इन तीनों को हम अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। पहले इसके लिए आपको किसी भी हैंड बीटर विस्कर किसी की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल स्पैचुला से मिक्स कर दीजिए। केवल चाहे तो आप हैंड बीटर यूज कर सकते हैं। प्लीज रिपीट वंस व्हाट यू हैव डन। मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसमें मैंने 1 कप लिया है मैदा, 1/2 कप ली है इसमें शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अमूल का जो 10 रुपीज वाला पैक है वो कंप्लीट मैंने मिल्क पाउडर का इसमें लिया है। कोको पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून और कॉफी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साइड में रख दिए हैं छान करके। मैंने लिक्विड में लिया है 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप अमूल का फ्रेश क्रीम और 1/4 कप ही लिया है अमूल का मिठाई मेट। इन तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं अप
ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। लगभग 2 चम्मच मैंने इसमें बड़े मिक्स किए हैं और इसको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर रही हूँ। जब हमने इसमें लगभग अपना हाफ जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर दिया है, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप, है ना, 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है। मैं इसका जस्ट हाफ, 1/4 का भी हाफ कप इसमें अभी मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छे से हिला रही हूँ एक बार। Can we get recording? ये अमूल के पेज पर ही रहने वाला है। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ और फिर से इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है, अदरवाइज आपके इसमें लम्स हो जाएंगे। और कोई इशू नहीं है, आप एक साथ भी डाल सकते हैं, पर लम्स नहीं होने चाहिए। जब हमारा ये टाइट हो गया है, मैं बचा हुआ जो हमारा 1/4 कप है उसमें इसको डाल रही हूँ। मिल्क लिया है मैंने, अमूल का गोल्ड मिल्क लिया है। लीना संगई, हेलो ममता जी। हेलो लीना जी, हाउ आर यू। मैं सारा अपना ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स कर रही हूँ। मिल्क रूम टेम्परेचर या वार्म? मिल्क जो आपको लेना है वो रूम टेम्परेचर पर लेना है। जब भी आप कोई भी केक बना रहे हैं, हमको सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। बचा हुआ जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला है उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। नाइस एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू। ये देखिए थोड़ा सा ये टाइट हो गया है। मैं फिर से 1/4 कप, देखिए इसमें हमको जो मिल्क डालना है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1/4 कप के बाद मैं थोड़ा सा मिल्क और डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, कहीं भी कोई लम्स नहीं है। और इस तरीके से हमें ये वाली कंसिस्टेंसी हमारे टी टाइम केक के लिए चाहिएगी। ये आप देखिए, जब हमारी ये कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमने जो क्रश किए हुए लगभग 4 से 5 ओरियो कुकीज मैंने लिए हैं, विथ क्रीम ही मैंने इसको क्रश किया है, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। क्या क्रीम ऐड करना जरूरी है? व्हाट इज द रीजन? इससे आपका टेस्ट एकदम इनहेंस होने वाला है। अमूल की फ्रेश क्रीम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मैडम, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। ये देखिए इस तरीके से हमने उसमें चंक्स डाल दिए हैं ओरियो कुकीज के, और ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, ओरियो कुकीज और क्रीम केक। कुकीज एंड क्रीम केक हमारा, इसका बैटर बिल्कुल हमने रेडी कर दिया है। अब मैं इसको, हमारा ग्रीस किया हुआ इस तरीके का मोल्ड है, आपके पास अगर इस तरीके का मोल्ड नहीं है घर पर, तो आपके घर पे जो भी मोल्ड है आप उस मोल्ड में इस केक को आराम से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप यही मोल्ड लेंगे, आपके घर पे राउंड, स्क्वायर, सिलिकॉन, जो भी मोल्ड है आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैंने इसको केवल ग्रीसिंग किया हुआ है, और क्योंकि इसमें नीचे वाला पार्ट हमारे अपर साइड में आने वाला है, तो मैं नीचे जो है कुकीज के पीसेस डाल रही हूँ थोड़े थोड़े गैप पे, और साथ ही आप चाहें तो चोको चिप्स भी इसमें डेकोरेशन के लिए ऐड कर सकते हैं बीच बीच में। ये आपके इस तरीके से ग्रीस्ड किया हुआ है मैंने मोल्ड, और इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में ही मैं अपना जो बैटर है रेडी किया हुआ वो इसमें मैं डाल रही हूं।
can please share the written recipe also? Yeah, sure. इस तरीके से इसको हम चारों तरफ से फिल कर रहे हैं बराबर से। मैम क्या सिलिकॉन के मोल्ड में केक अच्छे बनते हैं? केक बनते हैं उसमें भी है, पर थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो अनमोल्ड करते करते समय कभी वो केक जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, अदरवाइज उसमें अच्छे बनते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा निकालते समय आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसे टैप करेंगे और एक्स्ट्रा अगर हमारा यहाँ है तो इसे हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, और इसे हम अब या तो ओटीजी में या फिर प्रेशर कुकर में या बाटी वाले ओवन में, जिसमें भी आप बेक करते हैं उसमें आप बेक करना चाहते हैं उसमें आप बेक कर सकते हैं। अगर आप कुकर में करना चाहते हैं तो इसको कम से कम 30-35 मिनट्स लगेंगे। ओटीजी में अगर आप इसको बेक कर रहे हैं तो 160 डिग्री पर आपको इसको लगभग 30 मिनट्स लगेंगे। वो आपको आपके ओटीजी का टेम्परेचर, आप अदर केक्स जिस टेम्परेचर पे बेक करते हैं उसी पे आपके आपको इसको भी बेक करना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो समय लाइव सेशन की वजह से कम होता है तो हमने इसको पहले ही बेक करके रखा हुआ है। आप इसको गैस पर कुकर में भी आराम से बेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोवेव ओवन और नॉर्मल ओवन? माइक्रोवेव अगर आप कर रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड पे उसको बेक कीजिए, अदरवाइज ओटीजी में, और अदरवाइज गैस में कुकर पर। प्लीज शेयर चॉकलेट मेल्टिंग टिप्स। अब मैं आपको बताती हूँ चॉकलेट मेल्टिंग टिप्स भी। सबसे पहले अब हम इसको एक बार मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ, हालांकि आपके लिए हमने इसको पहले से बेक करके रखा हुआ है। We have to preheat oven. Yes, हमेशा preheat oven को करना जरूरी है। अगर आप उसको preheat नहीं करते हैं तो आपका केक हो सकता है फूले ना या फूल के बैठ जाए। उसको अंदर रखने से लगा के बाहर निकालने तक एक जैसा टेम्परेचर चाहिए। कुकर हो चाहे ओटीजी हो, हमेशा उसको आप 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कीजिए। प्रीहीट का मतलब है आप जिस भी यूटेंसिल में बनाने वाले, ओटीजी में बना रहे, कुकर में बना रहे, तो उसको खाली गर्म करना है ना, बिना कुछ रखे अंदर उसको गर्म करना प्रीहीट कहलाता है। 10 मिनट्स के लिए उसको प्रीहीट कीजिए और उसके बाद हमारा जो तैयार किया हुआ ये जो केक का पूरा बैटर है विथ मोल्ड आपको अंदर रखना है और 160 डिग्री पर ओटीजी में, या फिर अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो सिम पे, आपको गैस में सिम वाले पे गैस पर इसको बेक करना है 30-35 मिनट्स। लगभग 35 मिनट्स के बाद आप इसको जब चेक करेंगे, इसमें टूथपिक डाल के इसको चेक करें, और अगर वो बिल्कुल क्लीन निकलती है मतलब आपका केक जो है बेकिंग डन हो गई है। लेकिन उसको निकालते ही तुरंत आपको अनमोल्ड नहीं करना है। उसको जब बेकिंग हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ समय, लगभग 10 मिनट रुकने के बाद आप उसको इस तरीके से अनमोल्ड करेंगे तो आपका केक कभी ब्रेक नहीं होगा। बाकी क्वेश्चंस में आपको जवाब देने के पहले एक चीज बता देती हूँ। इसके ऊपर हम चॉकलेट की ड्रिजलिंग करने वाले हैं थोड़ा सा अच्छा गार्निशिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 50 ग्राम और अमूल की डार्क चॉकलेट ली है 50 ग्राम। अमूल की फ्रेश क्रीम में मैं डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ और इसको लगभग 30 सेकेंड्स के लिए मैं माइक्रो कर रही हूँ। जितने आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Which OTG you are using? I am using Morphe Richard. Thank you for describing so nicely. Thank you so much. Please repeat the recipe and measurement. मैं लास्ट में आपको पूरा एक बार रिपीट करके बताने वाली हूँ पूरी रेसिपी। Wow, superb cake. Thank you dear. आप भी अगर थोड़ी देर बाद चाय पीने वाले हैं तो बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। लगभग आधा घंटे में केक आपके पास बिल्कुल आपके हाथों में होगा और
लगभग ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर पे जनरली अवेलेबल रहती है। लुक सो यमी, लुक सो ऑसम। ऑयल के बदले कितना बटर यूज करना है? सेम क्वांटिटी में आपको बटर यूज करना है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको बटर मेल्ट करके ही लेना है। रियली अमूल की जो फ्रेश क्रीम और अमूल का जो मिठाई मेड है वो रियली मेरा तो बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। ये हमने इसको 30 सेकेंड्स माइक्रो किया है चॉकलेट को और फ्रेश क्रीम को। ये देखिए आप, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 30 सेकेंड्स में ये हमारी मेल्ट हो गई है। ये देखिए आप, बिल्कुल मेल्ट हो गई है फ्रेश क्रीम और डार्क चॉकलेट। ये देखिए, आप चाहें तो इसको छान कर यूज करें और चाहें तो आप ऐसे ही यूज भी कर सकती हैं। मैं इसको एक पैकिंग बैग में फिल कर रही हूं। पाइपिंग बैग में मैं इसको, जो हमने फ्रेश क्रीम ली है अमूल की 50 ग्राम और डार्क चॉकलेट जो ली है अमूल की वो भी 50 ग्राम ली है, इन दोनों को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रो किया है और इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में भरा है और हल्का सा मैं इसको छोटा सा एकदम बारीक सा कट कर रही हूँ। और इस पे हम इस तरीके से केवल इस पे ड्रिजलिंग करने वाले हैं। और ये आपकी शाम की चाय के साथ हमारा जो कुकी एंड क्रीम केक है वो बिल्कुल तैयार है। आप क्रीम अगर ज़्यादा भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं भी लगाएं। मैम, यू आर एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेल, थैंक यू। प्लीज टेल मी व्हिच वन इज गुड टू वर्क, 52 लीटर्स और 60 लीटर्स ऑफ मॉर्फी रिजल्ट्स? दोनों का अच्छा है, रिजल्ट कोई इशू नहीं है, बस वो साइज का फर्क है, बाकी दोनों ही गुड, बहुत ही अच्छे हैं। वेरी टेम्प्टिंग, थैंक यू। आई थिंक आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। एक बार मैं आप सभी को फिर से पूरी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। ये आपके सामने जो दिख रहा है कुकी एंड क्रीम केक है। इसको बनाने के लिए हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में लिया है 1 कप मैदा, आप चाहें तो उसको व्हीट फ्लोर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1 कप हमने लिया है मैदा, हमारा जो कप है वो 200 ml का है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। हमने शुगर ली है 1/2 कप, जो हमारी रेगुलर शुगर है घर पे हम जो यूज कर रहे हैं उसको मैंने ग्राइंड करके लिया है। बेकिंग पाउडर हमने लिया है विकफील्ड का 1 teaspoon, बेकिंग सोडा हमने लिया है 1/4 teaspoon, मिल्क पाउडर हमने अमूल का लिया है, 10 rupees वाला पाउच लिया है जो कंप्लीट हमने इसमें डाल दिया है। कोको पाउडर हमने लिया है 2 teaspoon और कॉफी पाउडर हमने लिया है 1 teaspoon। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है, इनको हमने छानने के बाद साइड में रख दिया और उसके बाद हमने एक अलग बाउल में अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 1/4 cup, अमूल का मिठाई मेड लिया है हमने 1/4 cup, और हमने आज विंटर की वजह से ऑयल लिया है 1/4 cup। आप अमूल का बटर 1/4 cup लें, बिल्कुल उसको मेल्ट करके लेना है आपको। इन तीनों को हमने अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और लास्ट में हमने अमूल का गोल्ड मिल्क लिया है 1/4 cup प्लस 1/8 cup हमने इसमें ऐड किया है। हमने अच्छे से उसका बिल्कुल पेस्ट बनाया है और बहुत ही अच्छा हमने बैटर तैयार किया है केक का। उसके बाद हमने लास्ट में ओरियो क्रश करके उसके चंक्स जो है हमने इसमें डाले हैं और साथ उस बैटर में हमने लास्ट में गार्निशिंग के लिए हमने उसमें डाले हैं चोको चिप्स। प्लीज टेल अस 1/2 cup शुगर इन ग्राम्स।
अप्रोक्स 60 ग्राम। मैम आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं, थैंक यू सो मच। और लास्ट में हमने इस पे ये जो ड्रिजलिंग की है उसके लिए हमने लिया है अमूल की फ्रेश क्रीम 50 ग्राम और अमूल की ही डार्क चॉकलेट हमने ली है 50 ग्राम। उन दोनों को हमने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रो किया है और उसका जो पेस्ट बना है, जो क्रीम बनी है उसकी, उसको हमने इस तरीके से ड्रिजलिंग किया है और हमारा कुकी एंड क्रीम केक आपके चाय के लिए, चाय के साथ के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं लास्ट काम एक और करने वाली हूँ कि इसको कट करके आपको स्लाइस बताने वाली हूँ कि ये हमारा जो केक है वो दिख कैसा रहा है। मैम ऐसी रेसिपी हम कोई भी फ्लेवर के केक से बना सकते हैं? देखिए कुछ चीजें बना सकते हैं लेकिन कुछ में आपको हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े। वेरी नाइस, थैंक यू, वाओ लुकिंग। इसको अब हम कट करने वाले हैं। किसी की बर्थडे है अगर आज, तो हमारी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए आप, ये इस तरीके से हमारे कुकीज के चंक्स भी आपको दिख रहे हैं और ये देखिए आप बहुत ही शानदार इसको। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा कुकी एंड क्रीम केक। Delicious cake, thanks dear, perfect go with tea or coffee. Thank you so much. Awesome, wow, mouth watering. Okay, all of you, thank you so much. और अमूल का फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम सभी को ये सीखने और सिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी का, अमूल का तहे दिल से शुक्रिया।